रायपुर से बड़ी खबर है। यहां पर छत्तीसगढ़ में वायरल वीडियो पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने मंत्री शिवकुमार डहरिया पर निशाना साधा है। बीजेपी नेताओं ने मंत्री के बर्खास्तगी की मांग की है। प्रदेश भर में बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन की चेतावनी दी है। बीजेपी के आरोपों पर मंत्री शिवकुमार डहरिया ने पलटवार भी किया है। प्रदेश भर में बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। बीजेपी के आरोपों पर मंत्री शिवकुमार डहरिया ने पलटवार किया है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह आरोप लगाया कि शराब पीकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, लेकिन अब इधर बीजेपी के तमाम नेताओं ने मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। तो बीजेपी नेताओं ने मंत्री के बर्खास्तगी की मांग की है। उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मंत्री ने बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगाया है कि शराब पीकर हंगामा किया। धक्का मुक्की गाली गलौज की स्थिति है, उसको सुना जा सकता है जो वीडियो वायरल हो रहा है, और साथ ही साथ पूरे समाचार पत्रों के अंदर में मीडिया रिपोर्ट्स भी, पूरे समाचार पत्रों में ये चीजें आई है, और बहुत कुछ जानकारी तो हमको समाचार पत्रों के माध्यम से मिला कि इस तरह की घटना, एक मंत्री वहां पर जा रहे हैं, तमाम प्रकार के शासकीय उपक्रम वहां पर रहते हैं, शासकीय अधिकारी रहते हैं, इस तरह की घटना का तो रत्ती मात्र भी वहां पर कहीं किसी प्रकार की प्रक्रिया नहीं होना था। मंत्री जी वहां पर स्पष्टीकरण दे रहे हैं, इसका सीधा अर्थ है कि वहां पर कुछ न कुछ मामला हुआ। ये 9 तारीख की घटना है कि हम रीवा में एक सड़क के शिलान्यास के लिए गए थे, और सड़क के शिलान्यास का कार्यक्रम और सभा खत्म होने के बाद वहाँ से जब निकल रहे थे तो कुछ असामाजिक तत्व जो दारू पी के हुल्लड़ कर रहे थे, बाद में गाँव वालों ने बताया कि वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, अनावश्यक रूप से हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। जब मैं वहाँ से निकल रहा था तो उन लोग रास्ते में आके हल्ला गुल्ला गाली गलौज कर रहे थे, तो उनको सुरक्षा कर्मियों ने मेरे गाड़ी तक जाने के लिए उन लोगों को हटाने का काम किया। कहीं इस तरह की कोई मारपीट की कहीं कोई घटना हुई नहीं है। हम लोग सर्वधर्म संभाव के रास्ते में चलते हैं, सभी लोगों का सम्मान करते हैं, सभी जाति धर्मों का सम्मान करते हैं, और हमारे पूरे प्रदेश में इस तरह कहीं कोई घटना नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है ना कोई विजन है, इसलिए वो इस तरह की बातों को अनर्गल रूप से प्रचार करते हैं।